की शिकायत की, वो शिकायत उन्होंने जांच में झूठी पाई, मैलिशियस पाई, या फिर इंटेंशनली आप किसी को पर्स करने के लिए शिकायत कर रहे हैं, तो फिर लोकायुक्त को कोर्ट्स के पावर हैं, वो आपको एक परिवाद बनाएगा, उस जांच में खात्मा लगा देगा या उस प्रकरण में खात्मा लगा देगा और आपके खिलाफ एक परिवाद बना के कोर्ट में पेश कर देगा, और उसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक कार्रवाई होती है जो आपका मामला कोर्ट, एक हो गया कि लोकायुक्त तो संगठन ने ही आपकी जांच में ही खत्म कर दिया आपका मामला, असत्य पाया। एक स्थिति हुई कि आपके मामले को लोकायुक्त संगठन ने अपनी जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सही पाया, कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट में ऐसा पाया जाता है कि आपने झूठी शिकायत की थी, तो कोर्ट फिर वही सीआरपीसी की धारा 340 193 के अंतर्गत एक परिवाद तैयार करता है और कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को भेज देता है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो कोर्ट सिचुएटेड स्थित, तो वहां फिर आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण चलता है। अच्छा, व्यवहारिक तौर पे क्या इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं कि सिर्फ एक हाँ, प्रोविजन है? तो नहीं होती हैं इस लोकायुक्त के मामलों में अमूमन होती है। ये न्यायालयीन स्तर पे होती है कि आपके लोकायुक्त संगठन भी अपने स्तर पे इस तरह की कार्रवाई करता है? लोकायुक्त संगठन की तो नहीं देखी हमने, पर न्यायालय स्तर पर कार्रवाइयां चलती तो जैसे 3 मामले आपने बताए कि पिछले साल छूट गए, जिसमें से ज्यादातर हैं। मामलों में हॉस्टाइल होते हैं। मुझे भी मालूम है कि जो हाँ कंप्लेनेंट है, अगर वो होस्टाइल हो जाता है, तो क्या हाँ सभी मामलों पर न्यायालय कार्रवाई के लिए बोलता है कि किसी स्पेसिफिक मामले पे ही बोलता है कि भाई इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध है? अब कई बार क्या होता है कि जो आप डिफेंस दे रहा है एक्यूज्ड, वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय लगता, और एक्यूज्ड वो शिकायत करता इनोसेंट है ऐसा लगा, उन मामलों में कोर्ट नहीं भेजता है मिथ्या साक्ष्य की कार्रवाई के लिए। लेकिन जिसमें लगता है कि आप इंटेंशनली शिकायत पहले कर रहे हैं और फिर बीच में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण आप आके कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, उन मामलों में कोर्ट अनिवार्यतः करता। आपने आज बहुत अच्छी हम सबको जानकारी दी, और हम चाहेंगे कि इसी तरह का मार्गदर्शन आप भविष्य में भी हम लोगों का एक आज सेशन में करें। और दुबे जी, मैं तो चाहूंगा कि सचिन जी से हम लोग टाइम लेके इस पे, लोकायुक्त पे एक स्पेशल और कई प्रोग्राम हम करें। जैसे मैं इनसे चाहता था कि जैसे हम शिकायत करें तो शिकायत में किन किन बातों का उल्लेख स्पेसिफिक तौर पे करें, उस पर भी मैं इलाबोरेट इनसे चर्चा करना चाहता था इस मंच के माध्यम से, किस तरह हम उसको इंक्लूड करें और आप हमारे बीच मित्र हैं, बिल्कुल रोज इस तरह की हम लोगों से जानकारियां बिल्कुल मांगते हैं कि भाई शिकायत हम करें तो कैसे करें, किस तरह करें। तो और जो अपने साथी हैं पूछें भाई, आप लोगों ने कई बार हम लोगों से पूछा है कि भाई शिकायत में क्या चाहिए, कितनी क्या रखना है हमको, क्या नहीं रखना है, तो आज एक्सपर्ट हमारे सामने है, तो आप लोग पूछिए इस विषय में। जी, बिल्कुल मेरा एक प्रश्न था कि बहुत सी कई बार हमने ऐसा देखा है जैसे डॉक्टर है, तहसीलदार है, वो अपने बच्चे के नाम से जैसे